आईपीएल 2023 के लखनऊ वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के महामुकाबले में मार्क वुड ने 5 विकेट लेकर हर किसी को चौंका दिया। जी हां, आप सभी को बताएं कि इस शानदार खिलाड़ी की गेंदबाजी देखकर दिल्ली कैपिटल्स के धाकड़ से धाकड़ बल्लेबाज सबके सब फीके नजर आए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाया था, जिसमें काइल मेयर्स ने 38 गेंद में 73 रन 2 चौके 7 छक्के की बदौलत, दीपक हुडा ने 17 रन तो वहीं कुरनल पंड्या ने 15, मार्कस स्टोनिस ने 12 और निकोलस पुरन ने 36 रन बनाए थे। आखिरी के ओवर में आयुष बडोनी और कृष्णप्पा गौतम ने 22 रन बटोर कर स्कोर 193 रन का किया। दिल्ली कैपिटल्स की जब बारी आई चेस करने की तो चेस करती दिल्ली कैपिटल्स की टीम उससे पहले ही यहां पर मार्क वुड ने अपना काम कर दिया था। जी हां, पृथ्वी शो जो 9 गेंद में 12 रन बनाकर खेले थे उनके यहां पर चलता किया, 2 चौके मारे थे उन्होंने, तो वहीं दूसरी तरफ मिचेल मार्श को तो पहली गेंद पर ही चलता कर दिया था। जब भी बात मिचेल मार्श जैसे शानदार खिलाड़ी की आती है तो इस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट, एवरेज सब कुछ शानदार रहता है, लेकिन इस खिलाड़ी को पहली गेंद पर बिना खाता खोले चलता कर दिया। उसके बाद सरफराज खान आए, 4 रन बना पाए थे, उनको भी चलता किया, यानी टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाजों में 3 विकेट मार्क वुड ने लिए थे और उसके बाद लास्ट में 2 विकेट लिए, जिसमें अक्षर पटेल का इंपॉर्टेंट विकेट था, 11 गेंद में 16 रन उन्होंने बनाए थे। वहीं चेतन साकरिया का विकेट भी 5वें विकेट के रूप में मार्क वुड ने लेकर इतिहास रचा। महज 4 ओवर के अपने स्पेल में 14 रन लुटाते नजर आए और 5 विकेट चटकाई यहां पर मार्क वुड ने। आपको बता दें, मार्क वुड ने कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिए, जैसे कि बेस्ट बॉलिंग रिटर्न फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। इससे पहले मोहसिन खान ने 16 रन देकर 4 विकेट चटकाया था, वो लखनऊ के लिए हाईएस्ट था, लेकिन अब मार्क वुड का ये हाईएस्ट बन गया। इसी के साथ साथ दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सबसे खतरनाक गेंदबाजी के मामले में नंबर 2 पर आ गए, क्योंकि 13 रन देकर 5 विकेट मलिंगा ने चटकाई थी और 14 रन देकर 5 विकेट मार्क वुड ने चटकाई। और साथ ही साथ एक और खास लिस्ट में इन्होंने जगह बना ली है, 5 विकेट होल्स फॉर ईस्ट टीम इन आईपीएल। सोहेल तनवीर, लक्ष्मीपति बालाजी, अमित मिश्रा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की लिस्ट में मार्क वुड ने भी अपनी जगह बना ली है, ये उनके लिए बहुत बड़ी खासियत रही। इस मुकाबले के हीरो मार्क वुड को चुना गया, भले ही काइल मेयर्स ने 73 रन की एक बड़ी नॉकआउट पारी खेली, लेकिन इसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने ये पारी खेली वो चर्चाओं का विषय नहीं, बल्कि यहाँ पर जिस तरीके से इस पारी का अंत किया यहाँ पर मार्क वुड ने, ये सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, मार्क वुड इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे मुकाबले खेल चुके हैं, लेकिन आईपीएल में ये उनका दूसरा ही मैच था और दूसरे ही मैच के जिस तरीके से गेंदबाजी के दौरान यहाँ पर तूफान लाए वो बहुत ही दिलचस्प नज़ारा था। क्या आपको लगता है कि इस बार मार्क वुड और पर्पल कैल अपने नाम कर लेंगे, तो अपने राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। इस मुकाबले 50 रन से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने जीत दर्ज करी और सीजन की शुरुआत खाते के खोले यहाँ पर जीत के साथ, ये कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए बहुत बेहतरीन बात रहेगी, लेकिन केएल राहुल का फॉर्म थोड़ा चिंता का विषय बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद।